मेरा हमेशा मनोज मानना है कि टीम वो होनी चाहिए जो डिजर्व करे. एंड ठीक है, पाकिस्तान ने इससे पहले नेदरलैंड्स को हराया था, श्रीलंका को हराया था, बांग्लादेश को हराया था, बट ये बात सिर्फ न्यूजीलैंड को हराने की नहीं है यार. आई थिंक दैट रिजॉल्व भाई 402 रन चेज करने पे कोई दूर दूर तक सोच नहीं रहा था, पर आई थिंक वो शायद वो चार पांच खिलाड़ियों ने सोच लिया था जीतेंगे. ये जीत ना बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पाकिस्तान को डेंजरस बनाती है. बांग्लादेश वाला मैच जो था वो फखर जमान ने जब जाके बैटिंग की थी तो मनोज ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैच जिताया था. हाँ. वो मैच उन्होंने नहीं जिताया था, बट उन्होंने एक पारी खेल दी थी. आज जो उन्होंने बैटिंग की है ना, आज आई एम श्योर हर टीम ने बैठ के वो बैटिंग देखी होगी, सईद अनवर की याद आती है और तरीका भी देसी तरीके से उन्होंने ये नहीं कि मैंने एक छक्का मार दिया चलो नीचे, उन्होंने कहा एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो. एंड ही इज टाइमिंग द बॉल सो वेल, प्लस उनको बड़े 100 बनाने का तजुर्बा है. 100 को बड़ा 100, मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछे एज ऑफ टूडे चौथी टीम हैज टू बी पाकिस्तान. न्यूजीलैंड बिकॉज डिप कर रहे हैं, न्यूजीलैंड ही आएगा हो सकता है, बट न्यूजीलैंड डिप कर रहा है. एंड उनकी बॉलिंग आज मैंने देखी है, उनकी सोच मैंने आज देखी है, केन विलियमसन की कप्तानी देखी है. आई एम सॉरी यार, कल तक तो हमें कुछ और लगता था, आज जब प्रेशर पड़ा है ना तो केन विलियमसन की कप्तानी भी दिख गई. आप बताइए, आपको मालूम है कि बरसात है, बरसात आ गई आ गई आ गई आ गई, आपको बरसात एकदम थोड़ी गिरती है, इन द एयर होती है ना. हमें टीवी पता चल रहा कि जी एक आधा ओवर रह गया, उन्होंने ईस्ट सोडी से बॉल करा दिया और 20 रन खा गए. कर भी रहे थे कि टैक्टिकली यहां पर आपको देखना है कि मैच आधा घंटा एक घंटा, क्योंकि ओवर लिमिट तब नहीं लगनी कि भाई इतने ओवरों का हो गया ही है, आप चाहते उसी टाइम खत्म करवा देते कि साथ के अपने बॉलर्स को डलवाते. लेकिन पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया था ये मैच 41 तक नहीं जाएगा. अगर वो 41 के लिहाज से खेलते ना मनोज, तो वो आके कोशिश करते यार हमारी विकेट ना गिरे. बट आई थिंक जिसकी भी वो सोच थी ड्रेसिंग रूम में या इन दोनों की, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये मैच मैक्सिमम 20-25 मिनट का है, उतने में ही उन्होंने खत्म कर दिया. और दीपक भाई जो पूरा सिनेरियो अभी बना हुआ है उसमें यही है कि इवन बट ये है कि मामला तब फंसेगा अगर न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका ही गेम पूरी हो जाए तो नेट रन रेट पर अभी भी फासला है. जो इक्वेशन आई है शायद वो ऐसे कि अगर न्यूजीलैंड सिर्फ एक रन से भी जीतता है तब भी शायद पाकिस्तान को 130 रन टाइप से जीतना है और रन चेज में भी उनको बड़ा वहां पर मार्जिन. क्वेश्चन वही देख रहा था कि ठीक है 51 रन से अगर न्यूजीलैंड जीत जाएगा तो फिर उसमें 180 टाइप हो जाएगा और एक रन से. कुल मिलाकर यह है कि भाई श्रीलंका के ऊपर आश्रित है अभी आपकी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की, श्रीलंका वो मैच हरा दे न्यूजीलैंड को. हाँ, बीच में पॉइंट टैली दिखा देना दोस्तों. अफगानिस्तान क्या करता है ना वो भी बहुत बड़ी एक उम्मीद है पाकिस्तान की. अगर अफगानिस्तान को आप देखोगे 7 में से 4 मैच इनके जीते, इनसे पॉइंट्स बराबर है बट इनका मैच कम है. सर पर इनके मैच कम है लेकिन इनका फिर साउथ अफ्रीका और उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया से मैच है. तो दो बड़ी टीमों से अफगानिस्तान खेलेगा जबकि पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड से और इंग्लैंड का मैच है 11 को. एक हफ्ते पाकिस्तान बैठेगा सर अपने होटल में और देखेगा बाकी वर्ल्ड कप चल कैसे रहा है. सही बात. और उस दौरान इनको खुशी भी मिल सकती है, क्या पता ये अपना 11 तारीख को मैच खेल रहे हो उससे पहले आपका अफगानिस्तान थ्रू कर जाए. भाई अफगानिस्तान क्यों नहीं जीत सकता, मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान दो मैच जीत जाए तो 6 पे पहुंच जाएगा. हाँ. यहां से 6 जीत पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पहुंच सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया भी. नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो चलो है ही. हाँ. है अफगानिस्तान पहुंच सकता है बस. हाँ. पाकिस्तान मैक्सिमम 5 जीत पे जा सकता है, न्यूजीलैंड मैक्सिमम 5 जीत पे जा सकता है. आपने बताया कि कितने रन का है दोनों के नेट रन रेट का, अगर अभी एज ऑफ नाउ जो है अगर एक रन से भी जीती न्यूजीलैंड, अगर वो सिर्फ एक रन से भी जीत रहे न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान को 130 रन का मार्जिन. हाँ, मैं एक बार 130 रन का मार्जिन चाहिए क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में वो लास्ट गेम है ना तो आपका रन और विकेट्स वाला रेशियो जो आप निकालोगे और भी 50 रन से जीता बस एक सेकंड तो 50 रन से अगर न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान को 180 रन से जीतना पड़ेगा और न्यूजीलैंड एक रन से भी जीता अगर उस मुकाबले में तो पाकिस्तान को 131 रन से. अब यहाँ से यह है कि चेज करने का भी फिर वही होगा और फिर ऐसा जीत जाएगी तो पाकिस्तान. सिंपल ये है कि पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, अफगानिस्तान एक मैच हार जाए. लेकिन अगर टाई होता है, टाई का मतलब कि पॉइंट्स पर टाइड हो आप, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान इंग्लैंड को कैसे हराए 130 रनों से. वहां पर 130 रन चाहिए अगर वो एक रन से भी जीतते हैं. कैसे बढ़ गए इतना, क्योंकि वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आज आ गया ना. अब लास्ट गेम बची है, अब आप रन पर विकेट वाला जो रेशियो है कवर करोगे अगर कि नौ मैचों का लोग है ना, बारिश का वो बताता हूँ. जैसे आज बारिश ने काम बिगाड़ा कहीं ना कहीं और जो न्यूजीलैंड जिस तरह से आया अपना उन्होंने बेड़ा गर्क भी किया, खैर ये बात अलग है. और फखर जमान ने एक बहुत अलग आला दर्जे की बैटिंग की, बट एक ये भी होगा कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है
उसमें भी बारिश के चांसेस पूरी दिन की गेम है, दिन की गेम है। अगर उसमें भी बारिश होती है तो एक पॉइंट मतलब मान लो कि वो मैच नहीं भी हो पाता है, नौ पॉइंट जो उस दिन बारिश के चांसेस न्यूजीलैंड और श्रीलंका तो एक एक पॉइंट वो शेयर करते हैं, तब वहां पे सिर्फ पाकिस्तान को जीतना है, सिर्फ इक्वेशन होगी इंग्लैंड से जीतना। ये भी देखना होगा कि इंग्लैंड आखिरी मैच खेल रहा क्या, इंग्लैंड क्या इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी जहां पाकिस्तान में होनी है उनकी मेहमान नवाजी है, खातिरदारी कैसे करती है उस दिन? नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, वो ये बोले कि हम नहीं जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी पर हम आपको वर्ल्ड कप से नहीं, नहीं, नहीं। उस केस में जो धीरज केस बता रहे हैं उसमें अफगानिस्तान के भी चांसेस हो जाएंगे क्योंकि वो एक मैच जीतने के बाद वो 10 पे पहुंच जाएंगे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रन रेट में बहुत ज्यादा पूरा टेबल खुला हुआ है सर, पूरा टेबल अफगानिस्तान टेबल उठा के पूरा खुला हुआ है। मैंने अमेरिकन पिस्ताचियोस कहा